हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जैसा कि आपको ये वाली सीरीज पढ़ करके बहुत मज़ा आ रहा होगा। दोस्तों कल मैंने आपसे बात किया था कि हम लोग साइंस को भी अपडेट किए हैं, तो कुछ लोगों का डिमांड था कि सर इसमें कुछ और भी बढ़ाइए, तो आज हमने इसमें और एक और चीज़ ला के नया ऐड कर दिया, वो है स्पोर्ट्स। ठीक है, यानी अब आपको इतिहास उंगली पे गिनो क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज इतिहास पढ़ने वाले हैं, भूगोल पढ़ने वाले हैं, संविधान पढ़ने वाले हैं, अर्थशास्त्र पढ़ने वाले हैं, कृषि पढ़ने वाले हैं, कंप्यूटर पढ़ने वाले हैं, साइंस पढ़ने वाले हैं और आखिरी में आपका स्पोर्ट्स भी पढ़ने वाले हैं। यानी आज मैं कुल 8 टॉपिक को इस वीडियो में आपको रिवाइज कराऊंगा। दोस्तों अगर ये सीरीज 1 महीने तक मैं कंटिन्यू रख दूँ तो ये मेरा वादा है कि आने वाले एग्जाम में ना बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे। और मैं तो खाली इतना चाहता हूँ कि आप इस सीरीज को देखते रहिए, फ़ायदा आपको अपने आप मिल जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और काम करेगा प्लीज़ मेरे भाई, देखो अगर आपको अच्छा लगता है ना तो प्लीज़ वीडियो पर जो भी एडवर्टीजमेंट आया ना उसको आप स्किप मत किया करो, प्लीज़ मेरे भाई स्किप मत किया करो। बाकी आप जो कहोगे ना मैं सब पढ़ाने को तैयार हूँ, सभी सब कुछ पढ़ाया ही जा रहा है आपको। और मेन चीज़ देखो, पढ़ाना नहीं होता है, पढ़ाने का इन द सेंस क्या कि पढ़ाओ ना ऐसा तो फिर लोगों के मन से निकल जाए गजब गजब सर पढ़ाए, गजब मतलब अल्टीमेट, इतना मेहनत करके पढ़ाओ। तो अपना पूरा एफर्ट मैं लगा के पढ़ाता हूँ। और फिलहाल स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री से संबंधित कुछ क्वेश्चन को देखेंगे, और ज़्यादातर क्वेश्चन मैं मॉडर्न हिस्ट्री से लेके चल रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि आपके एग्जाम में मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो आज आपका अध्याय नंबर 3 है, मतलब ये सीरीज नंबर 3 है। तो अगर आप पहले की 2 सीरीज नहीं देखे हैं तो मैं कहूँगा देख लीजिए, क्योंकि बड़ी फायदेमंद सीरीज है। पहला क्वेश्चन है कि प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने कौन सा राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया, तो वो राज्य का नाम था अवध। दोस्तों देखो, डलहौजी से पहले एक और शासक था लॉर्ड वेलेजली, ठीक है, जो कि 1799 से 1805 तक जो है भारत का गवर्नर जनरल बना रहा, भारत नहीं बंगाल का गवर्नर जनरल बना रहा, और उसने सहायक के आधार पर इन सभी राज्यों को जो है आपस में मिलाया था। हालांकि उसमें अवध नहीं था, बट जो है बहुत सारे राज्यों को जो है उसने मिलाया था। और उसके पहले भी आप देखेंगे हस्तक्षेप की नीति फॉलो की गई थी, बट अवध के साथ जो है हस्तक्षेप की नीति फॉलो की गई थी। अब प्रशासनिक अव्यवस्था का दोष लगा करके डलहौजी ने इस अवध राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था, तो ये याद रखिएगा। वहाँ पर आरोप क्या लगा था, प्रशासनिक अव्यवस्था, मतलब कि शासन को ठीक ढंग से चलाया नहीं जा रहा है वहाँ पर अवध में, इस वजह से अवध को कहाँ डाला जा रहा है, उसको मिलाया जा रहा है ब्रिटिश साम्राज्य में। अगला क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक शिक्षा की प्रणाली की नींव कब पड़ी, तो 1835 में पड़ी थी। मैं कहा जितने लोग थे ना सब इसी समय तो आए थे, और 1835 बहुत अच्छा टाइम पीरियड था क्योंकि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने शिक्षा के सुधार के लिए बहुत सारे काम किए। तो अगला जो गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ने वाले हैं वो इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो याद रखिए, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव कब से पड़ी, तो 1835 से। आगे भारत में डाक टिकट किसने जारी किया, तो भारत में डाक टिकट की बात आ जाए, तार की बात आ जाए, ठीक है, तार सेवा, और इसके अलावा रेलवे, तो ये सब जो है लॉर्ड डलहौजी ने स्टार्ट कराया था, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। आगे है, अवध के स्वायत्त राज की संस्थापक कौन थे, तो सआदत खां या बुरहान उल मुल्क। ये अवध के में जो है स्वायत्त राज यानी स्वतंत्र राज की स्थापना किए थे, सआदत खां या बुरहान उल मुल्क। आगे है, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है, तो ये नीति चलाया था वारेन हेस्टिंग्स से। मैं आपको पढ़ाया हूँ, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो गवर्नर जनरल वीडियो में जाके देख लीजिए, वहाँ मैंने इस नीति की चर्चा किया है, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति। आगे है, किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव, किस भारतीय को रॉबर्ट, यहाँ एक साथ लिख दिया, को अलग रहेगा रॉबर्ट अलग रहेगा, कह रहा है किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का दीवान बनाया था, तो ये सब भी आपको पढ़ाया हूँ, राजा सिताब राय को। ये सिताब राय वही व्यक्ति है जो कि धोखा दिया था किसको, सिराजुद्दौला को, ठीक है, धोखा दिया था, उसके बाद इन लोगों को अलग अलग जगह पर नियुक्त कर दिया गया, ठीक है, तो सिताब राय याद रखिए। आगे देखिए, महाराजा रणजीत सिंह, नाम सुना होगा आपने, ठीक है, महाराजा महाराणा नहीं होगा, महाराजा रणजीत सिंह जो कि पंजाब से बिलोंग करते थे और बहुत ही दमदार राजा थे, इनके उत्तराधिकारी कौन बने, तो खड़ग सिंह को बनाया गया, खड़ग सिंह को इनका अगला उत्तराधिकारी बनाया गया था। और सिख साम्राज्य के अंतिम जो राजा थे वो कौन थे, राजा दलीप सिंह, महाराज दलीप सिंह। आगे, अस्थायी बंदोबस्ती का सिद्धांत किसने दिया था, लॉर्ड कार्नवालिस ने दिया था, और इन्हीं के आखिरी समय में आया था 1793 में, ठीक है। आगे है, सहायक संधि, तो सहायक संधि लाने की वजह से वेलेजली को क्या माना गया, बंगाल का शेर कहा जाता था।
और सहायक संधि में सबसे पहले कौन सा राज शामिल हुआ था, तो निजाम शामिल किया था अपना राज्य को, हैदराबाद वगैरह जो था वो सबसे पहले शामिल हुआ था। इसके अलावा पेशवा, सिंधिया, भोसले ये लोग भी आ गए थे, तो बहुत सारे राज्य जो है शामिल हुए थे। आगे है महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़कर सुनाया, तो लॉर्ड कैनिंग ने पढ़कर सुनाया। कब सुनाया, तो याद रखिए 1 नवंबर को सुनाया। सन कौन सा था, तो 1858 में सुनाया। कहाँ पर सुनाया, तो मिंटो पार्क इलाहाबाद। कौन सी जगह है, मिंटो पार्क इलाहाबाद में यह पत्र पढ़कर सुनाया था। और इसी पत्र में लिखा था कि अब ये जो भारत का शासन होगा वो महारानी विक्टोरिया के नाम पर चलाया जाएगा, मतलब कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और महारानी विक्टोरिया का शासन जो है घोषित कर दिया गया। आगे रणजीत सिंह किस मिसल के थे, तो शुकर चकिया मिसल। हालांकि बहुत सारे मिसल थी, लगभग 14 मिसल के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। दोस्तों बहुत डिटेल में मैं जो है पंजाब का इतिहास, सिख साम्राज्य का इतिहास पढ़ाया हूँ, आपको नहीं पढ़े हैं, देखो पूरा का पूरा इतिहास आपको पढ़ाया गया, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाता हूँ, थोड़ा थोड़ा बताता हूँ क्वेश्चन के बारे में ताकि आपको पुरानी चीज़ें याद आ जाए। ठीक है, तो आप मेहनत करो, उसको पढ़ो। शुकर चकिया मिसल से बिलोंग करते थे राणा रणजीत सिंह। आगे है किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफ़र कर लिया था, तो मीर कासिम। ठीक है, जब मीर जाफर को हटा करके मीर कासिम को जो है बंगाल का नवाब बनाया गया, तो उसने सबसे पहले काम कौन सा किया, अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से उठा के मुंगेर कर लिया, क्योंकि मुर्शिदाबाद में षड्यंत्रकारी माहौल चल रहा था और वह इस माहौल से दूर रहना चाहता था, इसलिए किया था। ठीक है, आइए देखिए आगे कह रहा है बक्सर का युद्ध जो 1764 में हुआ था, उस समय दिल्ली का शासक कौन था, तो शाह आलम द्वितीय था दिल्ली का शासक। अवध का नवाब भी इस बक्सर के युद्ध में शामिल हुआ था, जिसका नाम था शुजाउद्दौला। क्या नाम था, शुजाउद्दौला। इसके अलावा और कौन शामिल हुआ था, तो मीर कासिम शामिल हुआ था। ठीक है, मीर कासिम, क्योंकि एक बार कासिम को गद्दी पर बैठाया गया, दोबारा कासिम को उतार दिया गया गद्दी से, इस बात से वो नाराज़ होकर के इन दोनों लोगों का साथ मांग करके बक्सर के युद्ध की लड़ाई कराया था। और इस लड़ाई में अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़ा था, तो हेक्टर मुनरो लड़ा था। क्या नाम था उनका, हेक्टर मुनरो। और अंग्रेजों की हुई थी जीत और बाकी लोगों की हुई थी हार। आगे टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी, तो ये वेले जली के समय में हुई थी, हालांकि उस समय टीपू सुल्तान ने आमंत्रित भी किया था नेपोलियन को, बट आ नहीं पाए नेपोलियन, तो याद रखिएगा। तो टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में। किसमें, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि हुआ था 1799 में वेले जली के टाइम में। आगे है डिंडीगुल क्या है, तो डिंडीगुल जो है ये तमिलनाडु के एक शहर का नाम है। ठीक है, डिंडीगुल और कुछ नहीं है, ये तमिलनाडु के एक शहर का नाम है। आगे किसके समय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था, अरे तो वही तो आया था यार, कलकत्ता उच्च न्यायालय बना था, वही रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसी में प्रावधान किया गया था कि भाई कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया जाए। ठीक है, और उस समय जो है गवर्नर जनरल कौन था, तो वॉरेन हेस्टिंग्स थे, बस हो गया काम। आगे है ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का विस्तार का अंत किसके समय में हुआ, तो ये जो राज्य का विस्तार चल रहा था डफरिंग के टाइम तक चला। ठीक है, और डफरिंग के समय से फिर रुक गया। ठीक है, और डफरिंग कब था, तो 1885 में जब कांग्रेस का स्थापना हुआ, उस समय आपको पता होगा कि गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, गवर्नर जनरल क्या, उस समय वायसराय आ चुके थे, तो वायसराय कौन था, लॉर्ड डफरिन। आगे ठगों का दमन किसने किया था, तो कर्नल स्लीमेन ने किया था ठगों का दमन, ठगों का दमन किया था। और पिंडारियों का दमन कई बार पूछता है, तो किसने किया था, तो लॉर्ड हेस्टिंग ने, किसने, वॉरेन हेस्टिंग मत करिएगा, लॉर्ड हेस्टिंग ने किया था। ठीक है, और कब किया था, तो वही 1817-18 के दौरान, पूरी तरीके से 1824 में। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। तो अच्छा, ये चीज़ हो गया। आगे दास प्रथा का अंत मैंने आपको बताया था एलन बरो ने, किसने, एलन बरो ने, हालांकि कहीं कहीं किताबों में कॉर्नवालिस भी दिया हुआ है, तो आप एग्जाम में देख लेना। आगे किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया था, तो चूरामण एक शासक का नाम था। ठीक है, ये जाट शासक था चूरामण, ये भी मैं आपको पढ़ाया हूँ, तो इसने जो है ग्रामीण जाटों को एकत्रित करके एक महा सैनिक शक्ति के रूप में उभरा था। आगे किस जाट राजा को जाटों का अफलातून एवं आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता है, तो सूरजमल को कहा जाता है जाटों का अफलातून। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूरजमल को जाटों का अफलातून कहा जाता है। आगे लोहगढ़ नामक किला किसने बनाया था, तो इसको बंदा बहादुर ने बनवाया था। ठीक है, बंदा बहादुर ने बनवाया था, कौन सा किला, लोहगढ़ का किला। ठीक है, तो ये मिलकर के आए थे किससे, गुरु गोविंद सिंह, जो कि आखिरी गुरु थे, 10वें नंबर के गुरु थे, उनसे आशीर्वाद पा करके आए थे बंदा बहादुर। ठीक है, हालांकि बाद में इनकी भी मृत्यु हो जाती है। आगे है किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई, तो फर्रुखसियर ने जो है इनकी हत्या करवा दिया था बंदा बहादुर की। फर्रुखसियर को दोस्तों घृणित कायर भी कहा जाता है, उत्तर मुगल शासक था। ठीक है, आगे पंजाब में सिख राज के संस्थापक कौन थे, तो यही राणा रणजीत सिंह जो है ये सिख राज के संस्थापक थे पहले नंबर पर, और आखिरी में राजा दलीप सिंह। और रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकतर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की, तो लाहौर को जब जीत कर वो अपने कब्जे में किए, तो इसके बाद जो है
इसको जो है उसके बाद महाराजा की उपाधि धारण की। और ये रहा हिस्ट्री का आखिरी क्वेश्चन, रणजीत सिंह व अंग्रेजों के बीच सबसे प्रसिद्ध संधि कौन सी हुई थी, तो अमृतसर की संधि हुई थी। इसी संधि में कहा गया कि सतलज नदी को एक रेखा मान लिया गया, सतलज नदी के पूरब साइड में जो अंग्रेजों का हिस्सा रहेगा और पश्चिम साइड में राणा रणजीत सिंह का हिस्सा रहेगा। तो ये क्वेश्चन रहा दोस्तों आपके हिस्ट्री से। आइए अब लगे आ तब हम लोग ज्योग्राफी के क्वेश्चन को देख लेते हैं। बहुत इत्मीनान से देखिएगा, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि देखो इस सीरीज नंबर 3 को हम लोग कवर कर रहे हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो जो लोग 2 सीरीज को नहीं देखें पहले देख लीजिए, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन होगा उसे प्रेस कर लीजिए, तो जब जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा तब तब आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप आराम से देख पाओगे। और यहां हर विषय को विस्तार से पढ़ाया गया है, तो मैं बस यही कहना चाहूंगा कि आप प्ले लिस्ट में आकर के जो भी कुछ पढ़ना हो सीरियल वाइज वहां पर लगा होता है, आप वहां जाकर पढ़ सकते हो। अब देखो यहां पर कौन सा क्वेश्चन दे रहा है, भारत में सर्वाधिक कोयले का भंडार यानी कोयले का रिजर्व कहां पाया जाता है, तो वो जगह है झारखंड। एक जमाने में बिहार भी हुआ करता था उस समय जब बिहार जो है झारखंड जो है बिहार से अलग नहीं हुआ था, ठीक है उस समय में, तो अब याद रखिएगा झारखंड। आगे निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, तो महानदी को कहा जाता है। आपने बंगाल का शोक पढ़ा होगा, बंगाल का शोक किसको कहते हैं, कोसी नदी को। आपने पढ़ा होगा बिहार का शोक कोसी नदी को, और बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को, ठीक है। उसी तरह से उड़ीसा का शोक कहा जाता है महानदी को, महानदी का डेल्टा भी आपने सुना होगा। इसी महानदी के डेल्टा में आपका जो है कटक पड़ता है, चावल अनुसंधान केंद्र जो है कटक में वो है यहीं पर। आगे नागालैंड के पर्वत क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं, उसका सबसे प्रमुख कारण क्या है, तो झूम खेती। आपको पता है पूर्वोत्तर भारत में जो जनजातीय लोग हैं वो लोग झूम खेती बहुत ज़्यादा करते हैं। इसमें क्या होता है, जंगलों से पेड़ों को काट दिया जाता है, उन स्थानों पर खेती किया जाता है, काट कर जला दिया जाता है, जलाने के बाद उसी पर खेती किया जाता है। जब तक मिट्टी उपजाऊ रहता है तब तक खेती होती है, जैसे उसका उपजाऊपन खत्म होता है लोग दूसरे जंगल के दूसरे पेड़ों को काट करके करते हैं। तो ऐसे अगर पूरा जनजाति करने लगे तो बताइए क्या होगा, सारे पेड़ खत्म हो जाएंगे। तो उसी लिए कह रहा है कि नागालैंड के पर्वत जो हैं वो धीरे धीरे बंजर होते जा रहे हैं, तो सबसे बड़ा कारण है झूम खेती। आगे मासिनराम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा होती है, क्यों सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, क्योंकि यहाँ निम्न दाब रहता है। गलत है यार, निम्न दाब से क्या मतलब, आगे यहाँ सदा भाप भरी हवाएं चलती हैं, नहीं ऐसा नहीं, यहाँ वर्ष भर वर्षा होती रहती है। हाँ ये तो ठीक है, वर्ष भर वर्षा होती रहती है, सी वाला ऑप्शन है सही, बट ये पूछ रहा है कि क्यों होती रहती है, ये तो क्वेश्चन ही तुम बता दे रहे हो। आगे डी है कि यहाँ की पहाड़ियाँ जो है कीप आकृति के हैं, और जो भी हवाएँ चलती हैं उस पहाड़ियों से टकरा करके फिर वहीं पर वर्षा कर देती हैं, ठीक है, मासिनराम और चेरापूंजी। आगे है बाण सागर परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन सा है, तो ये उत्तर प्रदेश और बिहार जो है इससे लाभान्वित है, बाण सागर परियोजना। दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा कि बाण सागर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। अब देखो इतना आपको कॉमन सेंस होना चाहिए कि आप देख लो ना उत्तर प्रदेश से कितनी नदियाँ हैं जो आपके बिहार में प्रवेश कर रही हैं, ठीक है, उसी से मिल जाएगा आपको उत्तर, अब तो समझ जाओ। आगे है क्षेत्रफल के क्रम में निम्नलिखित क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन सा है, तो सबसे बड़ा राजस्थान है एक नंबर पर, ठीक है, दूसरे पर एमपी है, तीसरे पर जो है महाराष्ट्र है। दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि बोल अगर जनसंख्या बोल देता तो आपका उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे हो जाता, ठीक है। आगे निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री पर्वतमाला के नाम से जाना जाते हैं, वही यार जो पश्चिमी घाट है उसी को सह्याद्री बोलते हैं, जो पश्चिमी घाट की पर्वतमाला है, ठीक है, जो कि गोवा से लेकर के महाराष्ट्र से लेकर के सीधे आपको केरल तक मिलेगा लाइन से, वही पश्चिमी घाट है, ठीक है, और लास्ट में तमिलनाडु के पास पूर्वी और पश्चिमी घाट दोनों आपस में मिल जाते हैं, वही सह्याद्री पर्वत के नाम से जाना जाता है। आगे जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, ये सब जो है किस नदी पर बनाए गए हैं, ठीक है, ये सब जलाशय, तो याद रखिए ये जो है चंबल नदी पर बनाए गए। चंबल नदी का नाम किसी ज़माने में चर्मवती हुआ करता था, कौन सी, चर्मवती, और यहीं पर जो है विशाल भूखंड पाए जाते हैं, ठीक है, जो जो अवनलिका अपरदन से बने हुए हैं, याद है ना, जो अवनलिका अपरदन से कई बार क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, बीहड़ जिसको बोलते हो, किस नदी के किनारे बीहड़ पाए जाते हैं, तो चंबल, याद रखिएगा चंबल। आगे देखो सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना पाया जाता है कहाँ पर, सबसे बड़ा तेल शोधक कहाँ कारखाना है, तो जामनगर है, गुजरात में पड़ता है जामनगर, ठीक है, जामनगर में सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना है, बाकी सूरत अहमदाबाद में नहीं है, ठीक है, सूरत और अहमदाबाद जो है, अहमदाबाद तो मानचेस्टर कहा जाता है, यहाँ सूती वस्त्र के काम बहुत ज़्यादा होते हैं और सूरत में साड़ी वगैरह काम बहुत ज़्यादा होता है। आगे भारत में प्राकृतिक रबर का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पर होता है, तो प्राकृतिक रबर के मामले में केरल नंबर 1 पर होता है और पूरे भारत में बाकी कोई जगह भी नहीं है, केरल में ही होता है, ठीक है। आगे बाण गंगा और पैन गंगा, ठीक है, ये किसकी सहायक नदियां हैं, तो ये जो है गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं, जिसकी गोदावरी की सहायक नदियां हैं, बाण गंगा, पैन गंगा, बेन गंगा, पैन गंगा, पैन गंगा, बाण गंगा, ऐसे करके है,
इसको याद रखिएगा। आगे मयूराक्षी परियोजना से भारत के कौन से दो राज्य लाभान्वित हो रहे हैं? मयूराक्षी तो पश्चिम बंगाल और झारखंड। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर भी है, ठीक है, तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल और झारखंड इससे लाभान्वित दो राज्य हैं। आगे लोनार जिला, ठीक है, लोनार जिला किस राज्य में है? तो ये पड़ता है लोनावला, लोनार, ये सब जो है महाराष्ट्र में है, ठीक है, लोनार। आगे है भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील दूर तक मानी जाती है? तो 12, 12 मील नहीं दोस्तों, इसको 12 नॉटिकल मील बोलते हैं, मील हटाएगा यहाँ से, 12 नॉटिकल मील तक बोलते हैं, ठीक है, नॉटिकल मील याद रखिएगा। आगे है भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है? तो लाल मिट्टी में जो लैटराइट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, सॉरी लाल मिट्टी लैटराइट है, लैटराइट तो चाय वाली मिट्टी हो गई, लाल मिट्टी अलग होती है। लाल मिट्टी सबसे ज़्यादा वैसे एमपी में मिलता है, एमपी ऑप्शन में तो दिया लेकिन छत्तीसगढ़ में नहीं, छत्तीसगढ़ देखो गलत हो गया, ठीक है, यहाँ दक्कन का पठार है, फिर वहाँ पर जो है मिट्टी बदल जाएगी। तो मध्य प्रदेश तो ठीक है, मध्य प्रदेश नीचे, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु भी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। देखो ये सब पहाड़ी एरिया बहुत ज्यादा होता है लाल मिट्टी, ठीक है। आगे देखिए बीर होर का शाब्दिक अर्थ क्या, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, बीर होर, तो बीर होर कहा जाता है जंगल के आदमी को, जंगल में रहने वाली जो जनजाति होती है उसको भी बीर होर बोल दिया जाता है, जो जनजाति है या जो वहां पर निवास करते हैं, वहां पर जो कबीला है वो कहलाता है बीर होर। आगे है प्राचीन भारत प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग था, इसमें वर्तमान समय का निम्न भूभाग शामिल था, कौन कौन शामिल थे? तो दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी के सभी, और यहाँ तक कि जो अंटार्कटिका है ना नीचे वो वाली प्लेट भी, ये चारों की चारों प्लेट एक साथ थी गोंडवाना लैंड, ठीक है। तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड दो हुआ करती थी, ये जो है आपका यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है। आगे याद रखिए निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा पर के निकटतम है? कर्क रेखा वही जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, उसी को कर्क रेखा बोलते हैं। ये लगभग भारत के बीचों बीच से गुजरी हुई है और कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पूछ रहा है कि कौन सा जगह सबसे नज़दीक है, तो कलकत्ता इसमें से जो है वो सबसे नज़दीक है, ठीक है, याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल से होकर जा रही, दिल्ली से तो होकर गुजरती नहीं, नॉर्मल सी बात है। जोधपुर राजस्थान पड़ता है, राजस्थान से होकर गुजरती बहुत थोड़ा सा, गुजरात राजस्थान बहुत थोड़ा सा, जोधपुर तो असंभव है। आगे नागपुर तो महाराष्ट्र जाए भी नहीं करती, नागपुर कहाँ जाएगी, ठीक है। तो याद रखिएगा ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोलकाता। कुछ तो कॉमन सेंस में निकाला करो। आगे किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहा जाता है? पठारी महाद्वीप, अंध महाद्वीप, काला महाद्वीप, बहुत सारा नाम है इसका। अफ्रीका सबसे पिछड़ा, ठीक है, अविकसित महाद्वीप, विकासशील महाद्वीप, बहुत सारा नाम है, ठीक है। तो ये कहा जाता है किसको, ये अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है, ठीक है। आगे है निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? अरे वही जो बहुत ज़्यादा बाढ़ वाढ़ लाती होगी वही विनाशक है। तो कोसी नदी, कोसी नदी जो है कहाँ पर बाढ़ लेकर आती है? तो बिहार में बाढ़ लेकर आती है, इसीलिए उसको विनाशक नदी का भी संज्ञा दिया जाता है। आगे है भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो रेशम के साड़ी, रेशम, ये सब जो है कर्नाटका में होते हैं, कर्नाटका में, ठीक है। गलती से आप सूरत उरत मत करिएगा, देखिए उत्तर, ठीक है। क्या होता है, लोग जिसको नहीं पता होता है तो उसके दिमाग में आ जाता है कि रेशम की साड़ी, और साड़ी सूरत अहमदाबाद ये सब में जगह बनता है, तो राइट उत्तर उसको करते हैं, महाराष्ट्र मार देते हैं, नहीं कर्नाटक याद रखिएगा, रेशम के मामले में कर्नाटक, ठीक है। आगे इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी किस नदी का उद्गम स्रोत है? तो चंबल नदी निकलती है जनापाव की पहाड़ी से, ये जनापाव के पास में ही उनका जन्म स्थान है यार, अंबेडकर जी का, क्या नाम है उसका जगह का नाम, बहुत फेमस जगह है यार, दो अक्षर का नाम है, दो अक्षर का नाम है, छोटा सा नाम है, देखो नाम नहीं याद आ रहा, जनापाव पहाड़ी के बगल में ही है। ओहो अभी दिमाग था, 14 अप्रैल को उनका डेट ऑफ बर्थ है, जयंती भी मनाया गया था, अब नहीं याद आ रहा, छोड़ो, चलो याद कर लेना, दिमाग में देखो रहता है। अभी क्या होता है ना यार कि कभी कभी मुझे लगता है मेरा दिमाग ब्लास्ट न कर जाए सच में, क्योंकि अभी होता है क्या ना, जो टीचर होते हैं वो किसी एक विषय का स्पेशलाइजेशन रखते हैं, किसी एक विषय में विशेष रूप से अपना फोकस करते हैं। मेरा फोकस क्या होता है ना, जितना एफर्ट लगा के मैं हिस्ट्री को पढ़ता हूँ उतना ही एफर्ट से मैं जियोग्राफी को भी पढ़ता हूँ, उतने ही एफर्ट से मैं जो है साइंस को पढ़ता हूँ, हिंदी को पढ़ता हूँ, मतलब हर विषय पर मेरा एफर्ट उतना ही रहता है। जो एक जानने की उत्सुकता होती है ना, जो मतलब जो जिज्ञासा होती है वो हर विषय में मेरे लिए समान रहती है, मतलब कभी ऐसा नहीं है। जैसे अभी आपको बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, अभी फिजिक्स जब आऊँगा ना फिजिक्स पे, तो पूरा का पूरा एफर्ट, पूरी जिज्ञासा, मतलब सब कुछ उस पर लगा दूंगा, 100% अपना दे दूंगा, ठीक है। तमाम किताबें पढ़ना, ढेर सारे शोध करना, नेट से मटेरियल निकालना, सब कुछ करता हूँ। तो इसी वजह से आप सभी को पसंद भी आता है, और धीरे धीरे क्या होगा ना, मुझे लग रहा है कि यार पहली बात तो मेरे बाल झड़ रहे हैं, अब समझ नहीं आता है। कई लोग बोल रहे भाई पढ़ना कम कर दो, पता चला अभी अभी तुम्हारी शादी हुई, अभी क्या हो जाएगा, सारे बाल गायब हो जाएंगे। अरे ठीक है यार, गायब हो जाते हैं, देशवासियों के लिए बाल ही कुर्बान कर देते हैं, क्या करना है, है कि नहीं। चलो एक कोई बात नहीं, ये सब तो मस्ती वाली टॉपिक है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप भी उतने इंटरेस्ट के साथ पढ़ सकते हो। और सही बताऊँ दोस्तों, अगर मैं एक बात अभी आपको बताऊँगा आपको भरोसा नहीं होगा, मैं जो स्टडी कर रहा हूँ मात्र 2 साल से स्टडी कर रहा हूँ, मात्र 2 साल,
इसके पहले मैं स्टडी नहीं करता था। मेरा जो बैकग्राउंड है वो बी कॉम, एम कॉम, सी ए इंटर, ठीक है, सी पी टी, आई पी सी सी और नेट, जे आर एफ, ये मेरा बैकग्राउंड है, ठीक है। मेरा बैकग्राउंड कुछ और था, मैंने अपने बैकग्राउंड को छोड़ करके इस फील्ड को चूज किया, और बहुत सारा वजह था चूज करने का। बट आप विश्वास करिए, 2 साल पूरे भी नहीं हुए, अभी 2 साल मेरे पूरे नहीं हुए। अभी आप सोचोगे, सर मतलब इतने कम समय में आप कैसे कर ले सकते हो? भाई मैं कहता हूँ आप भी कर सकते हो, आप भी कर सकते हो, बस अपना 100% एफर्ट लगा दो। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो चाहता हूँ और करूँ आपके लिए, ठीक है। आप बस खाली अपना साथ दीजिए। मैं मतलब कुछ ऐसा करना चाहता हूँ ना कि भारत के हर बच्चे आराम से पढ़ सके, इजी मोड में पढ़ सके। और मुझे लगता है कि एक ना एक दिन ये स्टडी 91 अकेला जो है पूरे भारत में कंपटीशन को बढ़ा देगा, ठीक है। आइए पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। चंबल नदी याद रखिएगा। आगे देखिए, आखिरी क्वेश्चन है ज्योग्राफी का। निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? किसका उद्गम, कौन सी नदी पूछ रहा? अच्छा, करा सतलज, रावी, चिनाब, ब्यास। अरे मेरे भैया, ये सतलज निकलती है ना, ये भारत में नहीं है। एक्चुअली क्या है ना कि मानसरोवर देखे ना, मानसरोवर के पास से निकलती है। जैसे अगर यहाँ सिंधु भी दे देता तो वो भी भारत में उसका उद्गम नहीं है, ब्रह्मपुत्र दे देता तो उसका भी उद्गम भारत में नहीं है। तो बहुत सारी नदियाँ हैं जो बहती हुई आती हैं भारत में, बट उनका उद्गम जो है भारत में नहीं है। उसी तरह से सतलज याद रखिएगा यहाँ पर। तो ये रहा आखिरी क्वेश्चन। अब चलिए पढ़ते हैं कहाँ, अब सीधे पहुंचते हैं हम लोग जो है पॉलिटी के ऊपर, उसके भी क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। तो ये वही तीसरा सीरीज चल रहा है। आगे है, भारतीय संविधान की में जो संसदीय प्रणाली है ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो याद रखिए, जो संसदीय व्यवस्था है ये इंग्लैंड से लिया गया है। कहां से? इंग्लैंड से, ठीक है। और जो दोहरी नागरिकता हमारे यहां है वो भी कहां से लिया गया है बताइए? एकहरी नागरिकता है कि दोहरी नागरिकता है? सोच के बताइएगा। हमारे देश में एकहरी नागरिकता है कि दोहरी गलत, दोहरी नहीं, एकहरी नागरिकता है। हम एक ही नागरिक हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम अलग अलग राज्यों के नागरिक नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ जो है भारत के नागरिक हैं। तो ये व्यवस्था जो है पूरी की पूरी संसदीय व्यवस्था ये इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। आगे, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से जो है अनुप्रेरित है? तो जो हमारे राज्य के नीति निषेधक तत्व हैं जो भाग 4 में बताए गए हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। अनुच्छेद 36 से 51 तक बताए गए, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। वो कहाँ से लिए गए? वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए, उसी यहाँ पर बोला जा रहा है आयरिश संविधान। तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया। इसके अलावा जो राष्ट्रपति 12 लोगों को मनोनीत करता है ना, वाली भी टेक्निक कहाँ से लिया गया? तो भी आयरलैंड से ही लिया गया, कभी कभी पूछ सकता है। और ये सब चीज मैं पॉलिटी में आपको पढ़ाया भी हूं। आगे, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत कौन सा है? तो बहुत ज्यादा मटेरियल लिया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1935 में, और लगभग दो तिहाई से थोड़ा सा कम कर दो और एक तिहाई से ज्यादा कर दो, तो काफी सारा मैटर जो है यहां से दिया गया। लगभग 60% मैटर जो है अकेले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से जो है हूबहू जो है उठाकर रख लिया गया संविधान में। आगे, भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से मैच करती है? तो जो संघीय व्यवस्था है कनाडा से लिया गया। और गणतंत्र कहां से लिया गया कभी पूछ सकता है आपसे? तो फ्रांस से। गणतंत्र वाली व्यवस्था कहां से? भारत एक गणतंत्र है, यह व्यवस्था कहां से लिया गया? तो फ्रांस से। और संघीय व्यवस्था कहां से लिया गया? कर्नाटक से, ठीक है। और जो शक्तियों का बंटवारा होता है राज्य और केंद्र में, वो व्यवस्था भी कहाँ से है? तो वो भी आपका जो है कनाडा से। देखो दोस्तों क्या है ना, इसलिए मैं आपको एक एक चीज खोल खोल कर बता देता हूँ, क्योंकि एग्जाम में ना आपको, अगर आप पढ़े नहीं हो और डीप नहीं पढ़े और आपकी समझ उस विषय पर नहीं है, तो यार रट्टा मारने से कुछ नहीं होने वाला है। आगे है, संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया से एक चीज़ और लिया गया है, जो हमारे उद्देशिका लिखी हुई है प्रस्तावना, ठीक है, उस प्रस्तावना की जो लाइन है वो भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। उसके लिखने का तरीका, हम भारत के लोग, ठीक है, ये बताया गया ना, तो वो चीज़ भी कहाँ से लिया गया? वो भी आपके ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। आगे, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया? तो रूस उस समय नहीं था, उस समय उसका नाम था सोवियत संघ रूस। क्या नाम था? सोवियत संघ रूस, USSR। बाद में USSR टूट गया, तो ये चीज़ हो गया। तो मौलिक कर्तव्य इसको लिया गया, और ये बताया गया हमारे अनुच्छेद 51 क में बताया गया, ठीक है। और इसके लिए अलग से भाग भी जोड़ा गया था, भाग 4 का, स्वर्ण सिंह कमेटी पे के आधार पर जो है इसको ऐड किया गया था हमारे संविधान में। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा दोस्तों, सोवियत संघ रूस से एक चीज़ और लिया गया, जो पंचवर्षीय योजना चली थी, हालांकि अब मोदी जी ने पंचवर्षीय योजना समाप्त कर दिया, तो पंचवर्षीय योजना भी कहां से लिया गया था? रूस से। आगे, राज्य में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन के किस देश से उधार लिया गया? तो ये सब कलेक्टर उत्तर वाला पद जो था ये इंग्लैंड से ही लिया गया। कहां से? इंग्लैंड से। आगे, कानून के समक्ष समान संरक्षण, तो ये हो गया, कानून के समक्ष समान संरक्षण हो गया, जुडिशरी हो गया, जुडिशियल रिव्यू हो गया, ठीक है, ये सब जो है अमेरिका के संविधान से लिए गए। और बाकी नागरिकता वाला कांसेप्ट भी है।
आगे है सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में कहाँ से लेगा, तो जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सब जो है अमेरिका वाले संविधान से, और यहाँ तक कि जो महाभियोग योग है ना वो भी सब यहीं से। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अच्छा एक चीज़ और याद है कि आपातकाल कहाँ से लिया गया, तो जर्मनी से, ठीक है। और विधि के समक्ष समानता, ठीक है, ये कहाँ से लिया गया है, तो ये आपके इंग्लैंड के संविधान से लिया गया कि विधि के समक्ष समानता। आगे वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने पर गहरा प्रभाव पड़ा, वही जो भी पीछे पढ़ाया हो, भारत सरकार अधिनियम 1935 उसी का। आगे भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ किस देश से लिए गए, तो जर्मनी के संविधान से, उसके संविधान का नाम वाइमर संविधान, बीमार नहीं है ये गलत लिखा, वाइमर क्या है, वाइमर संविधान, वाइमर, ठीक है। आगे भारत के संविधान में मूल अधिकार किस देश से प्रेरित हैं, तो मूल कर्तव्य तो सोवियत संघ रूस थे लेकिन मूल अधिकार जो है वो अमेरिका से, संयुक्त राज्य अमेरिका, अ से अधिकार, अ से अमेरिका, और ये 12 से लेकर 35 तक बताया गया ना भाग 3 में, ठीक है। आगे देखिए संविधान में कानून द्वारा स्थापित शब्दावली किस देश के संविधान से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया, कानून द्वारा स्थापित। अब प्रस्तावना की भाषा पढ़ा चुका आपको, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो ये तीन चीज़ हम लोगों ने कवर कर लिया, क्या कर लिया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी कवर कर लिया, बहुत कुछ कवर करना है। आओ अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन, ठीक है, वही अध्याय 3 ही आपका चल रहा है। करा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नया नाम जो है क्या रखा गया, तो ये रखा गया भारतीय स्टेट बैंक। इंपीरियल बैंक जो था ये 1921 में बना था और स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण 1955 से 56 के दौरान हुआ था, ठीक है, याद रखिए। आगे इलाहाबाद बैंक की स्थापना कब हुआ था, 1865, नहीं यार इलाहाबाद बैंक आई थिंक है 1895। दोस्तों एक बार इसको आप चेक कर लिएगा, लाला लाजपत राय जो है इलाहाबाद बैंक की स्थापना किए थे और पहला खाता भी उन्हें खुला था जहां तक मुझे याद है, क्योंकि 1865 कर दोगे तो हमको लगता है लाला लाजपत राय पैदा ही नहीं हुए थे, ठीक है, तो ये चीज मुझे याद आ रही, तो 1895 है, ठीक है, यहाँ पे गलत है, पक्का गलत है, एकदम श्योर हूँ गलत है। आगे देखिए, करा भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक कौन सा था, तो अवध कमर्शियल बैंक था, ठीक है, जो कि भारतीयों द्वारा संचालित जो है पहला बैंक माना जाता है। अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना कब हुआ था, तो 1881-82 के दौरान हुआ था। आगे पूर्ण रूपेण भारतीयों का पहला बैंक कौन सा था, तो पंजाब नेशनल बैंक, एक मिनट सॉरी 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 गलती हो गया, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना किए थे लाला लाजपत राय, ये गलती हो गया, इलाहाबाद बैंक सही दिया था, इसका मतलब 1865 तो सही है, ये पंजाब नेशनल बैंक 1895 आई थिंक, पंजाब नेशनल बैंक में, हाँ, ठीक है, वो गलती से याद आ गया, ठीक है, गलती से नहीं मतलब अच्छा हुआ याद आ गया। क्या होता है ना, अभी आपको बताया ना कि दिमाग में बहुत सारी चीज़ चलती रहती है, और खासकर मुझे लगता है मेरे दिमाग में इतना ज़्यादा सन हो गया, कभी कभी तो मुझे लगता है मैं अपना डेट ऑफ बर्थ ना भूल जाऊँ। चलिए आगे पढ़िए, पंजाब नेशनल बैंक, सॉरी वो आप एडिट कर लीजिएगा। और यार इसमें पता है हैरान परेशान मत हुआ, कभी मान लो मेरे मुंह से गलती से निकल गया, बहुत बार ऐसा हुआ 1875 लिखे 1975 में बोलता हूँ, कॉमन सेंस रखो मेरे भाई, इतना टैलेंटेड आप हो गए हो। अच्छा बनाया किसने आपको टैलेंटेड, हमने नहीं यार, आप अपने मन से बने हो, अगर आप पढ़ना नहीं चाहते तो मैं आपको पढ़ा देता क्या, नहीं पढ़ा पाता, मतलब कभी मत कहना नितिन सर ने बना, ना 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 ना, इतना इतना बड़ा काम मत करना मेरे भाई, हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, नहीं, कभी भी कोई पूछे कि किसने आपको बनाया, आपको मैंने खुद से बना, क्या बोलोगे, हम खुद से बने, हमें तो सिर्फ एक आधार दिया नितिन सर ने, क्या दिया, एक थोड़ा सा पुश किया, पीछे से आपको मैंने धक्का दिया, भाई आगे बढ़ो, ठीक है, और आप आगे बढ़ गए, आप आगे बढ़ गए। अब इस देश में जिसको जिसको आगे बढ़ना है, मैं पुश कर रहा हूँ, जितने लोग भी चले जाएं, क्या दिक्कत है। आगे भारतीय रिजर्व बैंक का ने कार्य करना कब स्टार्ट किया, तो ये स्टार्ट हुआ था 1935 में, और रिजर्व बैंक ने जो एक्ट बना था वो 1934 में ही बन गया था, ठीक है, ये भी याद रखिए। आगे है भारतीय बैंकिंग अधिनियम कब पारित किया गया, तो 1949 में हुआ था पारित, 1949 में पारित हुआ था भारतीय बैंकिंग अधिनियम। आगे 6 बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, 1980 में, और बाकी इसके पहले 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो चुका था 1969 में, 1969 में 14 बैंकों को हुआ था और 6 बैंकों का 80 में हुआ था। आगे है भारतीय रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में सम्मिलित बैंकों को क्या कहते हैं, तो उसको अनुसूचित बैंक कहा जाता है, अनुसूचित बैंक। आगे किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर निजी क्षेत्र में बैंक स्थापित करने की अनुमति दे दी गई, तो नरसिंहम में कमेटी बनी थी, उस कमेटी ने कहा था कि भारत में जो है राष्ट्रीयकृत बैंकों के अलावा जो गवर्नमेंट हैं उन बैंकों के अलावा जो है प्राइवेट बैंकों की भी ज़रूरत है, ताकि उससे जो है बैंकिंग का कार्यभार का जो बोझ है वो थोड़ा कम हो सके और ये फील्ड और बड़ा हो सके। तो ये रिपोर्ट कहाँ से आया था, नरसिंहम कमेटी पर। आगे देश का पहला तैरता एटीएम कहां पर था, लगा था, तो ये कोच्ची में लगा था, बहुत पुराना क्वेश्चन है, कोच्ची में
तैरता एटीएम, ठीक है। आगे, बैंकों के ग्राहकों की शिकायतों का निदान करने के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना कब लागू किया गया, तो 14 जून 1995 को लागू किया गया था, ठीक है। जो भी बैंक के ग्राहक हैं अगर वो कोई शिकायत करते हैं तो उसका जल्दी निदान हो, इसके लिए। आगे, भारतीय रिजर्व बैंक ने कब तक पाकिस्तान के लिए भी केंद्रीय बैंक के रूप में काम किया, तो आज़ादी के बाद तक जो है हमारे यहाँ नोट छपता था पाकिस्तान के लिए, ठीक है। तो 30 जून 1948 तक जो है पाकिस्तान की जो करेंसी थी वो भारतीय हुआ करती थी, उसके बाद उन लोगों ने फिर अपना अलग किया। आगे, भारतीय रिजर्व बैंक में एक गवर्नर के अलावा कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं, तो 4 होते हैं। अच्छा, इस समय गवर्नर कौन है? उर्जित आर पटेल। क्या नाम है? उर्जित आर पटेल। रिजर्व बैंक अधिकतम किस मूल्य वर्ग के नोटों को जारी कर सकता है, तो अधिकतम जो है 10,000 रुपये तक का नोट जारी कर सकता है। अभी तो 2,000 तक ही जारी किया है, ठीक है, और आगे भी वो 10,000 रुपये तक जारी कर सकता है, मैक्सिमम लिमिट जो है। रिजर्व बैंक अधिकतम किस मूल्य वर्ग तक के सिक्के जारी कर सकता है, तो नोट अगर बात करेंगे तो नोट 10,000 है और 1,000 तक के सिक्के जारी कर सकता है रिजर्व बैंक, ठीक है, 1,000 तक के। आगे, रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना कब की गई, तो ये 3 फरवरी 1995 को हुआ था, नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, तो अब तो ये सरकारी है। आगे है, उस दर को क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं, जिस पर केंद्रीय बैंक प्रथम श्रेणी तथा अनुमोदित हुंडियों का जमानत के आधार पर देश में वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है, तो उसको कहा जाता है बैंक रेट। बहुत अच्छे से इकोनॉमिक्स को आपको पढ़ाया हूँ, बैंक रेट क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, ठीक है, सब पढ़ाया हूँ, तो आप जाके देख सकते हैं, आपको याद भी आ गया होगा, ठीक है। सिंपली आरबीआई से जो लोन मिलता है बैंकों को, जिस दर पे मिलता है उसी को बैंक रेट बोलते हैं। आगे है, प्रत्येक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अपनी जमा का एक निश्चित अंश भारतीय रिजर्व बैंक के पास नगद रूप से रखना अनिवार्य होता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं CRR, ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो। क्या बोलते हैं? कैश रिजर्व रेशियो, या हिंदी में बोलेंगे तो नकद आरक्षित अनुपात, ये भी आपको पढ़ाया हूँ। आगे है, राष्ट्रीय साख परिषद, ठीक है, इसकी स्थापना कब किया गया था, तो ये स्थापित किया गया था 22 दिसंबर 1977 को, राष्ट्रीय साख परिषद। आगे, भारतीय ऋण गारंटी निगम की स्थापना कब हुआ था, तो 1971 में स्थापित किया गया था भारतीय ऋण गारंटी निगम। आगे, भारतीय ऋण गारंटी निगम का नाम बदलकर जमा राशि बीमा एवं ऋण गारंटी अधिनियम कर दिया गया, DICGC, ठीक है, ये कब किया गया, तो 1978 में, 7 साल के बाद। आगे, भारतीय रिजर्व बैंक ने बचत बैंक खातों पर ब्याज दरों का विनियमन कब स्टार्ट किया, तो ये 25 अक्टूबर 2011 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, बचत बैंक खातों पर ब्याज दरों का विनियमन। आगे, भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी बैंक में कितने बैंक काम करते हैं, तो कुल 5 बैंक काम करते हैं, अब तो सबका विलय कर दिया गया, उठा के ख़त्म हो गए हैं सब। आगे, भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी बैंक कौन कौन से हैं, वही बता रहा है, बैंक ऑफ स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला और स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, अब तो विलय कर दिया गया, कहानी इनकी समाप्त हो गई। तो दोस्तों, 4 विषय हो गए आपका, चलिए 5वें पे एंट्री करते हैं। ओहो, 5वां आ गया कंप्यूटर, ठीक है, ये 5वां पार्ट है। अरे, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, अब पढ़ने जा रहे हैं कंप्यूटर में। करेक्ट, किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंटर होता है, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होता है ये एक स्ट्रोक में एक ही प्रिंट करता है। अब आप कहोगे कहाँ पे, चले जाओ रेलवे स्टेशन, खच 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 नहीं मारता, टिकट प्रिंट करता है, एकदम आवाज़ बहुत ज़्यादा करता है और पॉइंट पॉइंट में प्रिंट करता है, डॉट मैट्रिक्स ऐसे ऐसे प्रिंट करता है ना, आप टिकट उठा के देखो उसकी प्रिंटिंग में आपको लगेगा कि मैं डॉट डॉट करके प्रिंट किया हुआ है। रेलवे स्टेशन की बात कर रहा हूं यार, उस पे जो काउंटर होता है, टिकट काउंटर, वहां का देखो, वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर वहां पे लगा होता है, तो सबसे बड़ा एग्जांपल वही है। आगे, कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है, तो कंपाइलर जो है ये निम्न स्तरीय भाषा है, कंपाइलर जो है ये कंप्यूटर की निम्न स्तरीय भाषा है। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है, ठीक है, तो उस सॉफ्टवेयर का नाम बताना, उसको बोलते हैं दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो याद रखिएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, वो कंप्यूटर के जो अन्य हार्डवेयर वाले पार्ट हैं उनको नियंत्रित करता है, ठीक है। आगे है, अच्छा, कंप्यूटर की आत्मा किसको कहते हो, तो मेन होता है ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग के बाद आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, ये सब चीज़ें। आगे, कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, तो कोई भी अगर आपको काम करना, जैसे आपको अभी जैसे नेट चलाना है, तो उसके लिए आपके पास चाहे इंटरनेट एक्सप्लोरर होना चाहिए, चाहे मोज़िला फायरफॉक्स होना चाहिए, चाहे गूगल क्रोम होना चाहिए ना, तो ये क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे आपको कुछ टाइपिंग का काम करना है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए आप जो MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट होना चाहिए, ये सारी चीज़ होती ना, यही होता है। आपको वीडियो देखना है तो आपके पास VLC प्लेयर होना चाहिए, मीडिया प्लेयर होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ क्या है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यही क्या है? एप्लीकेशन। अगर यही पूछ देता है OS क्या होता है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है, जैसे विंडोज 7, 8, ठीक है,
लिनक्स हो गया, ये सब क्या होते हैं, ये विंडोज होते हैं, यूबंटू हो गया। आगे स्प्रेड शीट में जिस पॉइंट पर कालम और रो इंटर रो, देखिए यहाँ पे अलग अलग रहेगा, कालम और रो आगे इंटरसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्ट माने होता है काटते हैं, तो ऐसे ऐसे होता है ना, आप अगर एक्सेल चलाए होंगे तो आप देखे होंगे वहाँ पे ऐसे ऐसे होता है। तो कह रहा है एक एक जैसे आपसे कोई कहा था कालम बनाओ रो, तो एक कालम हो गया एक रो हो गया, तो कह रहा है जो दोनों पे यहाँ काटते हैं तो ये जो बीस वाला बॉक्स होता है इसको क्या बोलते हैं, तो उसको सेल बोला जाता है। अगर आप पढ़े होंगे ये एक्सेल की बात कर रहा है, एमएस एक्सेल की बात कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात कर रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, ठीक है। आगे ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है, तो एक तरह का पॉइंटिंग डिवाइस है, ट्रैक बॉल क्या है, एक तरह का पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस भी क्या है, एक तरह का पॉइंटिंग डिवाइस है। किसी ज़माने में माउस के नीचे बॉल लगा हुआ करता था, अभी तो माउस के नीचे लेजर आ गया है, लेजर लाइट आ गया। एक ज़माना था जब बॉल लगाओ, ज़्यादा नहीं 4-5 साल पहले बॉल लगाओ था, और एक और ज़माना था 10 साल पहले वो बॉल ऊपर हुआ करता था, उसी बॉल को हम लोग घुमाते थे। माइक्रोमैक्स का एक फ़ोन भी आया था, आपको याद होगा, माइक्रोमैक्स Q5, ठीक है, ऐसे कर कुछ का नाम था, उसमें बीच में बॉल लगा था, उसको घुमाने से क्या होता था, स्क्रीन पर जो कर्सर होता था वो मूव करता था, ठीक है, याद रखे, वही पॉइंटिंग डिवाइस है। आगे यदि आपका कंप्यूटर खुद को रिबूट करना चाहता है तो संभावना है कि क्या है, उसमें वायरस है। जैसे हमारा बॉडी भी रिबूट करता है, हमारे बॉडी में कभी बैक्टीरिया वायरस आ जाते हैं, वो भी रिबूट करता है, जब वो रिबूट करता है तो हमको बुखार चढ़ जाता है। हाँ, जब वो रिबूट करता है तो हमको क्या हो जाता है, बुखार चढ़ जाता है। क्यों, जब शरीर गर्म होती है तो बाकी वायरस क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, इसलिए शरीर गर्म करता है। और हम क्या करते हैं, हम तुरंत दवा खा लेते हैं, दवा में क्या होता है, उसमें होता है एंटीबायोटिक, वो क्या करता है आपके शरीर को बिना गर्म किए अपनी पावर से क्या कर देता है, जो भी वायरस और बैक्टीरिया होते हैं उनको मार देता है, ठीक है। उसी तरह से कंप्यूटर भी खुद को रिबूट करता है, तो अगर ये रिबूट कर रहा है तो होने दिया करिए, ठीक है, क्यों, हो सकता है इसमें वायरस हो। आगे कमांडों की वे सूचियां जो स्क्रीन पर प्रकट होती हैं, ठीक है, कमांड नहीं कमांड लिखना चाहिए इसको, कमांडो लगा दिया है, ठीक है, अरे मिशन पे थोड़े जा रहे हैं यार, कमांडो की वे सूचियां, सॉरी कमांड की वे सूचियां जो स्क्रीन पर, अरे जो स्क्रीन पर दिखती हैं उसी को तो मीनू बोलते हो, ठीक है, अच्छा, जो जब आप स्टार्ट पे करते हो तब मीनू आता है, ऐसे जो नॉर्मल दिखता है ना उसको आइकन बोला जाता है, जो डेस्कटॉप पर हमारे दिखता है कंप्यूटर पर उसको क्या, आइकन, आइकॉन नहीं, आइकन, ठीक है। आगे हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें कहाँ भेजी जाती हैं, तो कुछ टाइम के लिए वो रिसाइकल बिन में जाती हैं, वहाँ से आप फिर से फाइल को रिस्टोर कर सकते हो अगर चाहो तो, ठीक है, रिसाइकल बिन, पता होगा आपको। कर EDP क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, इसका फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। आगे भारत में निर्मित प्रथम सुपर निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है, तो ये सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। आगे माइक्रो प्रोसेसर जो है ये किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, चिप है, कंप्यूटर के अंदर जो चिप होती है CPU के अंदर, वो होती माइक्रो प्रोसेसर, चतुर्थ पीढ़ी का है माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। अब तो जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम हो रहा है, AI के ऊपर, ठीक है। आगे कीबोर्ड में जो फंक्शन की होती है उसकी संख्या कितनी होती है, तो कुल 12 होती है, F1, F2, F3 ने दिया होता है, वही फंक्शन की है। आगे कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को क्या बोलते हैं, अरे जो ऐसे ऐसे दिया रहता है, आजकल जितने भी प्रोडक्ट मिलते हैं सब पे जो बार कोड आता है, तो ये बार कोड की बात कर रहा है। आगे किस, अच्छा, इसको पढ़ा के एक मशीन पढ़ती है बार कोड रीडर, ठीक है, उसको रीड कर लेता तो रीडर हो गया। आगे किस प्रिंटर पर स्ट्रोक से, कितने बार पूछोगे, डॉट मैट्रिक्स। आगे इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है, तो अगर इंटरनल हो रहा है तो प्राइमरी है, क्या है, प्राइमरी स्टोरेज है इंटरनल। आगे सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है, तो फ्लैश स्टोरेज लगे होते हैं, कैसे होते हैं, फ्लैश। आगे डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, तो उसको फॉर्मेटिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिंग। जैसे जो CD डिस्क वगैरह होती है ना उसमें फॉर्मेटिंग होता है, ठीक है, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें फॉर्मेटिंग, ट्रैक और सेक्टर जो है विभाजित होते हैं उसी को फॉर्मेटिंग बोलते हैं। कर रैम जो है वो वोलाटाइल मेमोरी है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर डेटा रिटेन करने के लिए इसे सतत पावर की ज़रूरत पड़ती है। मतलब जो रैम होता है ना कंप्यूटर में, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जब तक जो है लाइट का प्रवाह उसमें होता है, बिजली का प्रवाह होता रहता है, ठीक है, तब तक पावर सप्लाई होती रहती है, तब तक जो है उसमें डेटा रहता है, और जैसे ही प्रवाह ख़त्म होता है तुरंत क्या हो जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा रैम, ठीक है। आगे देखिए, प्रोग्रामों का सेट जो कंप्यूटर के समय कंप्यूटर के रीड ओनली मेमोरी में प्री इंस्टॉल होता है उसे क्या बोलते हैं, फर्मवेयर। फर्मवेयर क्या करता है, एक तरह का प्रोग्रामों का सेट होता है। अगर ये ना हो दोस्तों, ये अक्सर करके जो रोम होता है ना उसमें होता है, तो
जैसे आप क्या करते हो, कोई भी ओएस हटा देते हो, कोई ओएस हटा के जब नया ओएस डालते हो, तो बताओ उसके अंदर का सिस्टम तो ख़त्म नहीं हो जाता ना, वो पूरा एक आदमी बैठा है वहाँ पर आपकी इस पूरे ओएस को ही बदलने के लिए, पूरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो पूरे के पूरे सिस्टम को ऑपरेट कर रहा है, वही बदल जाता है। तो ऐसे में ये प्रोग्रामों का जो सेट है, फर्मवेयर जिसको कहते हैं, ये काम आता है। आगे है भाषा, जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझाता है, उसे क्या बोलते हैं, समझ जाता है, उसको मशीन भाषा बोलते हैं। और आपको पता होगा कंप्यूटर केवल जीरो और एक की भाषा समझता है, जिसको आप बाइनरी नंबर बोलते हो, ठीक है। आगे स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट क्या है, तो अभी टेराबाइट मत बोलो, बहुत इसके आगे पहुँच गया, गीगाबाइट, ठीक है। फिर उसके बाद जीबी के बाद टीबी आ गया, टेराबाइट आ गया। तो अभी हम लोग जो टेराबाइट तक यूज कर रहे हैं, ठीक है, स्टोरेज के मामले में, हालांकि और भी बड़े बड़े स्टोरेज है, जेटाबाइट, योटाबाइट, ऐसे ऐसे करके जेड बी, वाई बी, बहुत सारे हो गए आगे चल के। अगर आठ लगातार बीटों की सीरीज को क्या कहते हैं, तो एक बाइट, आठ बीट बराबर क्या होता है, एक बाइट, ठीक है। आगे प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर को में किसका उपयोग होता था, तो जैसे आज हम सीपीयू का इस्तेमाल करते हैं माइक्रो प्रोसेसर का, उस ज़माने में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था, और ये बहुत ज़्यादा संख्या में होता था, इस वजह से पावर भी बहुत ज़्यादा लगता था और उसका आकार भी बड़ा होता था, ठीक है। फिर बाद में ट्रांजिस्टर आ गया, ठीक है, तो ऐसे से धीरे धीरे चेंजिंग हुआ। आगे कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, जो मुख्यतः नष्ट करता है किसको, ये प्रोग्रामों को नष्ट कर देता है, फाइल को जो इनक्रिप्ट कर देता है, दूसरे किसी भाषा में चेंज कर देता है, फाइल की कॉपी तैयार। अब वायरस का काम क्या, एक तरह का मालवेयर है जो कंप्यूटर के साथ छेड़छाड़ करेगा, कंप्यूटर की फाइलों को इधर उधर करेगा, तो ये होता है। चलिए आगे देखते हैं, तो अभी आपका पाँच टॉपिक कंप्लीट हो गया, अब ये छठी टॉपिक है, और ये क्वेश्चन रहा आपके कृषि से संबंधित। आओ देखो क्या है, दलहनी फसलों के बारे में कुछ विशेष चीज़ें आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। देखो भैया, आप देखो, अगर आप स्टडी 91 के साथ पढ़े तो टाइम मत देखो कि सर 40 मिनट हो गया, ये भैया टाइम हम देख के पढ़ाई नहीं होता हमारे यहाँ, ठीक है। हम टाइम देख के नहीं पढ़ाते हैं, ना ही हम व्यूज के लिए पढ़ाते हैं। जैसे हम चाहते हैं तो 40 मिनट में चार टू वीडियो बना देते हैं ना, जैसे लोग बनाते हैं 12 मिनट 15 मिनट का बना दिया, नहीं यार, पढ़ाई कर रहे हो, ईमानदारी से पढ़ाई करो। किसको उल्लू बनाओगे, अपने आप को, अपने आप को उल्लू बनाओगे, ऐसे काम नहीं चलता। तो यहाँ व्यूज के लिए कोई काम नहीं होता, हमारे जो परमानेंट स्टूडेंट है वो जानते हैं कि नितिन सर कोई विषय पढ़ाते हैं तो एक पार्ट में एक चीज़ खत्म कर देते हैं पढ़ा के, बहुत रेयर ही होता है कि मैं किसी चीज़ को दो पार्ट में पढ़ाऊँ, नहीं, जो मैं शुरू करता हूँ वो टाइम में यहाँ नहीं देखता। आप भी घड़ी उड़ी मत देखिए, अगर आप पढ़ रहे हो स्टडी 91, भैया घड़ी मत देखिएगा, घड़ी देखें तो आप चले जाएंगे चैनल छोड़ के। अच्छा जाएंगे तो मैं गारंटी दे रहा हूँ फिर यहीं आएंगे, क्योंकि इससे बेहतर आपको कुछ मिलता नहीं। जैसे शराब की लत लगती है ना, वैसे स्टडी 91 की भी लत लगती है लोगों को, सही बता रहा हूँ, तो इतना फर्क पड़ता है। चलो आगे पढ़ते हैं, अभी कृषि संबंधित क्वेश्चन है। अब एग्जाम पास करना है, ऑफिसर बनना है, तो फ्री में थोड़े बन जाओगे, मेहनत करना पड़ता है उसके लिए, ठीक है। दलहनी फसलें, तो अभी नाम से आपको पता लग रहा है कि दलहनी मतलब दाल वाली जो फसलें उसकी बात कर रहा हूँ, करा दलहनी फसलें लेग्यूमेनेसी कुल की फसलें होती है। आपसे एग्जाम में ऐसे पूछता बस खाली एक लाइन का क्वेश्चन आ जाए कि दलहनी फसलें कौन सी कुल की होती, देखो आधा लोग बता ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये लेग्यूमेनेसी कुल की फसलें होती हैं। आगे बढ़ा, लेग्यूमेनेसी कुल की फसलों की विशेषता होती है कि उनकी जड़ों, उन फसलों की जड़ों में ग्रंथियां पाई जाती हैं। ध्यान से समझना बात को, यहाँ डिटेल बता रहा है आपको, कह रहा है लेग्यूमिनेसी कुल की जो फसलें होती हैं उनके जड़ों में एक विशेष तरह की ग्रंथियां पाई जाती हैं, तथा इन ग्रंथियों में राइजोबियम नामक एक जीवाणु पाए जाते हैं। किस नाम से, राइजोबियम नामक एक जीवाणु पाए जाते हैं, और राइजोबियम नामक जीवाणु जो है वायुमंडल से नाइट्रोजन का मिट्टी में स्तरीकरण करके मिट्टी को नाइट्रेट की आपूर्ति कराते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि इनको नाइट्रोजन डालना पड़ता है, और फलों और फसल है कोई तो उनको नाइट्रोजन डालना पड़ता है, लेकिन जो दलहनी फसलें हैं उसमें जो राइजोबियम होते हैं ना, राइजोबियम नामक जो बैक्टीरिया होते हैं, ये वायुमंडल, वायुमंडल बहुत सारा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज़्यादा है, ठीक है, 71%, तो नाइट्रोजन को ले लेते हैं वायुमंडल से और मिट्टी में स्तरीकरण करके मिट्टी को नाइट्रेट की आपूर्ति करते हैं, और इस प्रकार से मिट्टी में नाइट्रेट की मात्रा बढ़कर दलहनी फसलें मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ा देती हैं। तो जो अगर आपका खेत होगा वहाँ गेहूं चावल बोते हैं, तो आप एक दो साल के, हर दो दो साल के अंतराल पर वहाँ पर एक बार चाहिए किसानों को कि दलहनी फसलें बो दे, क्यों, क्योंकि ऐसे में जो है उनको नाइट्रेट मिल जाएगा, यानी नाइट्रोजन मिल जाएगा, तो मिट्टी का उपजाऊपन बढ़ जाएगा, ठीक है। और नहीं तो क्या करेंगे, लाएंगे मार्केट से नाइट्रोजन छिड़केंगे और क्या करेंगे। परंतु अन्य फसलें मिट्टी की उर्वरता को धीरे धीरे घटाती जाती हैं, करा यही कारण है कि दलहनी फसलों को यूरिया और नाइट्रेट के छिड़काव की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही आपूर्ति कर लेते हैं। दलहनी फसल को फसल चक्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है। फसल चक्र मतलब जैसे आपका पूरा एक साइकिल पूरा होता है साल डेढ़ साल में, तो उसमें एक बार इसको बो देना चाहिए। आगे है, फसल चक्र का उद्देश्य मिट्टी के खोए हुए पोषक मान को वापस करना है।
किसी खाद्यान्न को काटने के पश्चात वह मिट्टी के पोषक तत्वों को अवशेषित कर लेती है, जिससे मिट्टी की उर्वरता क्या होती, घट जाती है। जैसे आपने कुछ बोया गेहूं चावल, तो मिट्टी से क्या करती है, उसकी उर्वरता को क्या करता है, सोख लेता है, ठीक है। लेकिन जो दलहनी फसलें होती हैं, ये मिट्टी की उर्वरता को बढ़ा देती हैं, ताकि अगली खाद्यान्न फसल के लिए मिट्टी में पोषक पदार्थ जो है बना रहे। अर्थात देखिए ऐसे बोलना चाहिए, जैसे रबी और खरीफ हैं, इन दोनों के बीच में एक बार दलहनी फसलें बो देना चाहिए, ताकि दोनों के लिए जो है मामला बना रहे। आगे, एक फसल द्वारा मृदा से लिए गए पोषण मान को मिट्टी में वापस करने हैं, ताकि अगली फसल के लिए मृदा में पोषक जो है बना रहे। अब देखो, प्रमुख दलहनी फसलें कौन सी हैं अगर आप पूछो तो, सबसे ज़्यादा अरहर खाया जाता है भारत में, अरहर हो गया, चना की दाल, आहा ठीक है, मटर की दाल, ओहो, मसूर की दाल, आहा, ये सब जो रबी की फसलें, रबी में आती हैं, ठीक है। इसके अलावा खरीफ वाले में भी तमाम दलहनी फसलें हैं, जैसे सोयाबीन हो गया, ठीक है, मूंग हो गया, उड़द हो गया, लोबिया हो गया, ठीक है, ये सब जो है आपकी खरीफ की फसलें हैं। आगे है, जायद ऋतु में भी आप बो सकते हो, जायद ऋतु मतलब जो घोर गर्मी वाला होता है, ठीक है, उसमें भी आप सोयाबीन, मूंग, उड़द जो है बो सकते हो। अतः दालों की खेती तीनों फसलों में किया जाता है, चाहे रबी हो, खरीफ हो, जायद हो, इन तीनों में कर सकते हैं, तो कोई इसका सिस्टम नहीं है, ठीक है। आगे, सर्वाधिक दलहन उत्पादक राज्य कौन सा है भारत में, तो सबसे ज़्यादा दलहन का उत्पादन करता है मध्य प्रदेश, एमपी, सोयाबीन का भी वही करता है। दलहन के फसलवार उत्पादन में राज्यों का जो स्थान है वो देख लीजिए, अगर समग्र दलहन की बात कर लें, ओवरऑल दलहन की बात कर लें, जितने भी प्रकार के दलहन होते हैं, उसमें मध्य प्रदेश नंबर एक पे आता है, सोयाबीन में भी मध्य प्रदेश नंबर वन पे आ जाता है, इसलिए मध्य प्रदेश को सोया राज्य कहते हैं, सोया मतलब सो नहीं गया है, सोयाबीन वाला सोया। आगे, चना में भी कौन है, मध्य प्रदेश है। अरहर में दोस्तों महाराष्ट्र है, और मसूर की दाल में दोस्तों यूपी है, उत्तर प्रदेश, मसूर की दाल, ठीक है। आगे है, दालों के उत्पादन और उपभोग दोनों में भारत का जो है प्रथम स्थान है, दाल, चावल, रोटी, ठीक है, यही भारत का जो मुख्य जो है खाद्य फसल है। तो याद रखिए, दाल के उत्पादन में और साथ ही साथ उपभोग में, दोनों में जो है पहला स्थान है। लेकिन इसके बावजूद कृषि उत्पादों में सर्वाधिक आयात जो है वो दालों का होता है, गेहूँ चावल का उतना ज़्यादा नहीं होता, जितना ज़्यादा आयात जो है दाल का होता है, क्योंकि शाकाहारी जनसंख्या की प्रोटीन प्राप्ति का जो सबसे प्रमुख साधन हो दाल है, ठीक है। हो सकता है आपके यहाँ दाल के साथ रोटी बनता हो या दाल के साथ चावल बनता हो, लेकिन बनेगा जरूर दाल, सब्जी के साथ दाल होना मस्ट है। अगर दाल नहीं है तो बहुत गरीब कहे, कितनों तो भी आप किसी के घर चले जाओ, कुछ बने ना बने दाल जरूर बनेगा, ठीक है, क्योंकि जो जनसंख्या है, जो शाकाहारी जनसंख्या, भाई रोज नॉनवेज तो खा नहीं सकते हैं, तो शाकाहारी जनसंख्या जो है वो उसकी प्रोटीन की प्राप्ति के लिए ये कई साधन है, सबसे बड़ा साधन वो है दाल। अतः हमारे देश में दाल की अत्यधिक खपत के कारण दाल का आयात करना पड़ता है, हो ही नहीं पाता पूरा। आगे, दलहन फसलों में सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है, लेकिन ये सोयाबीन है जो 10 रुपये का हम लोग लेके आते हैं, ये सोयाबीन नहीं, वो सोयाबीन दाल की बात कर रहा हूँ, वो दूसरा होता है। आगे, 40% प्रोटीन और 20% तेल, ये पाया जाता है आपके सोयाबीन में, ठीक है। तो अब बताओ, ये समझ, जो सूखा वाला सोयाबीन है उससे क्या होता है, उससे क्या होगा, उसमें तेल निकालोगे, उससे कुछ नहीं निकलता, ठीक है, वो भूसी टाइप का होता है, उससे कोई मतलब भी नहीं उसका, आप सोचते हो कि वो सोयाबीन खा खूब प्रोटीन मिल जाता, कुछ नहीं मिलता उससे। आगे, विश्व में सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है, पूरे वर्ल्ड वाइड बात करते हैं, हमारे यहाँ तो एमपी मान लो कर रहा है, ऐसे आपका यूएसए करता है, उत्तरी अमेरिका में और दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील करता है, ठीक है। भारत में सोयाबीन जो है मध्य प्रदेश करता है। भारत में दलहनी फसलों में सर्वाधिक उत्पादन सोयाबीन का ही होता है, सबसे ज़्यादा। आशा क्या है, पूछता आपसे एग्जाम में, आशा, अपर्णा, सम्राट, गरिमा, तो आशा याद रखो ये अरहर की फसल है। आशा किसकी है, अरहर की। आशा की जाती है कि सबके घर में अरहर की दाल बनती होगी, अब याद रहेगा, अब हमेशा एग्जाम में आएगा तो आशा जरूर कर लेना। अपर्णा, अपर्णा माने होता मटर, ये मटर की पतिविहीन किस्म है, ठीक है। अपर्णा याद रखा, अपर्णा, पर्णा मतलब पत्ती नहीं है, ठीक है, तो पतिविहीन वही बोला, पत्तिविहीन लिखना चाहिए, पतिविहीन लिख दिया है, हैं, मटर, मटर याद रखिएगा, अपर्णा। आगे, सम्राट है ये चने, भाई चना क्या होता है, चना की दाल बन जाए मज़ेदार है, सम्राट राजा टाइप का हो गया ना, ऐसे करके याद रखो, सम्राट जो है चने की लोकप्रिय किस्म है। और गरिमा जो है दोस्तों ये मसूर की, गरिमा किसकी है, ये मसूर की है, ठीक है, मासूम, गरिमा कैसी है, मासूम है, मसूर याद रखो। अतः तिलहन फसलों को चलो देख लो, कर तिलहन फसलें, अभी आप कहोगे सर कितना पढ़ाने वाले, पढ़ो पढ़ो, भागने नहीं दूंगा मैं, पढ़ो, पढ़ाई करो, भागना नहीं है। आगे, जिन फसलों से तेल निकाला जाता है तिलहन हो गए, जिन फसलों से दाल निकलता है दलहन हो गई, क्या गजब का कॉन्सेप्ट है। तो सोयाबीन से भी देखिए तेल निकलता है, मूंगफली से भी तेल होता है, सरसों से, सूरजमुखी से, नारियल से, कुसुम से, ठीक है, तो ये सब जो इसके अलावा आपका वो हो गया, क्या बोलते हैं, सरसों से, ये सब जो है तिलहनी फसलें हैं। आगे, हमारे देश में तिलहन फसलों की खेती अनुपजाऊ भूमि तथा वर्षा की कमी वाले क्षेत्रों में किया जाता है। कहाँ पर, जहाँ की खेती कैसी हो, भूमि कैसी हो, अनुपजाऊ हो
और वर्षा की कमी हो, ऐसे में क्षेत्रफल की दृष्टि से खाद्यान्न फसलों के बाद तिलहन का ही स्थान आता है, नंबर दो पर तिलहन का आता है। तिलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश जो अग्रणी राज्य है, दलहन में भी तिलहन में भी। सरसों रबी की फसल है, जबकि मूंगफली और सोयाबीन ये जो है खरीफ ऋतु की फसलें हैं। याद रखो जो सरसों है रबी वाले में है, ठीक है, ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर में बोया जाता है, और जबकि मूंगफली हो गया सोयाबीन हो गया खरीफ की फसल है, ठीक है। भारत में तिलहनी फसलों में सर्वाधिक उत्पादन जो है सोयाबीन का ही होता है, दलहन वाले में भी तिलहन वालों में भी, इसके बाद जो है मूँगफली का होता है। सोयाबीन में तो एमपी हो गया, मूँगफली में आपका गुजरात का नंबर आता है, मूंगफली में गुजरात है। मूंगफली एक स्वपरागित फसल है, अर्थात दूसरों फलों से इसका परागण नहीं होता है, यह स्वतः परागृत होता है, ठीक है। आगे सरसों के तेल में 64% लाइनोलिक एसिड पाया जाता है, क्या पाया जाता है, लाइनोलिक एसिड, जो कोलेस्ट्रॉल को साफ करता है, क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल को साफ करता है। सरसों के तेल में तीखापन जो पाया जाता है वो थियोसाइनेट ठीक है के कारण होता है, तो आइसोथियोसाइनेट के कारण होता है तीखापन। सरसों में एरुसिक अम्ल भी पाया जाता है, कौन सा एरुसिक अम्ल, जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, लेकिन सबसे अच्छा कौन सा होता है, तो आप फॉर्चून ऑयल जो सोयाबीन का तेल है वो सबसे बढ़िया माना जाता है। कुसुम के तेल के इस्तेमाल वाटरप्रूफ कपड़े के निर्माण में और चमड़े के प्रिजर्वेशन में होता है, कुसुम तेल, ठीक है। आगे तिलहन के उत्पादन में अग्रणी राज्य, अगर कुल तिलहन की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश है, कुल दलहन में भी मध्य प्रदेश, कुल तिलहन में भी, और सोयाबीन में हम पढ़ ही चुके हैं, मूंगफली में गुजरात है, सरसों के मामले में दोस्तों आपका राजस्थान है नंबर एक पर, और सूरजमुखी जो है कर्नाटक में, सूरजमुखी कर्नाटक में, नारियल जो है तमिलनाडु में, और कुसुम जो है महाराष्ट्र में। तो ये आखिरी था, अच्छा थोड़ा सा और दिया, ज़्यादा नहीं है। कर फसलों में पोषण स्तर ये देख लीजिए, तो जो चावल है उसमें 6% प्रोटीन और 76% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, अब बाकी थोड़ा बहुत मंड सरकरा ये सब होते हैं, ठीक है, तो ये सब भी होता है। गेहूं में दोस्तों 15% प्रोटीन और 65% कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, तो चावल गेहूं दोनों में आप देख लीजिए कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। मक्का में भी दोस्तों 15% प्रोटीन और 80% जो है कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। मक्का एक ऐसी फसल है जिसका खेती आप वर्ष भर हो जाता है, किसी महीने में बो दो कोई दिक्कत नहीं है। आगे सोयाबीन में 45% प्रोटीन पाया जाता है और 20% तेल पाया जाता है, और मूंगफली में 30% प्रोटीन पाया जाता है। आगे है मक्का जो है शीतोष्ण जलवायु की फसल है शीतोष्ण की, ठीक है, बट जो है किसी महीने में आप बो दो। सोयाबीन तिलहन और दलहन दोनों फसलों की श्रेणी में आता है, ठीक है। ये रहा कृषि से क्वेश्चन, चलो अब आओ पढ़ते हैं साइंस में। साइंस में दोस्तों कल हमने बायोलॉजी पढ़ाया था और आज हम साइंस में लाए आपके सामने किसको, आज हम केमिस्ट्री को लेके आए हैं, ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। करें एंथ्रासाइट कोयले में सर्वाधिक कार्बन की मात्रा पाई जाती है, सबसे बढ़िया किस्म का कोयला कौन सा माना जाता है, तो एंथ्रासाइट कोयले को सबसे बढ़िया माना जाता है। बाकी बिटुमिनस कोयला जो होता है ये विश्व में सबसे ज़्यादा, अगर पूछ दे आपसे एग्जाम में कभी कि कौन सा कोयला पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो बिटुमिनस कोयला। सबसे खराब किस्म का कोयला कौन सा होता है, तो पीट कोयला। सबसे बढ़िया एंथ्रासाइट, ठीक है। फिर मैं आपसे कह रहा हूँ टाइम मत देखिए, पढ़ाई करिए। अगर आप अपने प्रति ईमानदार है, देखो यार अगर मैं ईमानदार हो सकता हूँ, एक टीचर होकर अगर मैं ईमानदार हो सकता हूँ और बच्चों के भविष्य के बारे में अगर मुझे इतनी चिंता हो, तो यार आप तो बच्चे हैं, आपको तो चाहिए कि नितिन सर यार पता है फ्री में जहाँ मिल जाए ना टूट पढ़ना चाहिए। अगर मैं आपको फ्री में पढ़ा रहा हूँ तो टूट पढ़ो। अगर यार अभी आप सिलेक्शन नहीं ले पाए ना, जान लो मेरे बेटा भाई बाबू भैया जो कुछ भी कह लूँ, कभी ज़िंदगी में आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे, क्योंकि अगर इतना मेहनत के बाद अगर आपको सिलेक्शन नहीं मिला, आप बताओ आप चाहते क्या हो, क्या मैं अपना क्या रावण बन जाऊँ, जैसे सर जैसे शिव के सामने उन्होंने क्या कर धड़ से अलग करके रख दिया था आपके सामने, वैसे कर दो तो मान जाओ तब बन जाओगे कुछ नहीं। यार मेहनत करो, इतना पढ़ो, इतना दिन रात पढ़ो। कई लोग तो डाउनलोड करने के चक्कर में, यार कितना वीडियो डाउनलोड करोगे, कितना डाउनलोड करोगे बताओ, 800 साढ़े 800 पढ़ा दिए वीडियो डाउनलोड करोगे, जितना पढ़ाया जा रहा है डेली पढ़ते चलिए, बस पढ़ते चलिए। अगर इतनी ईमानदारी से मैं पढ़ा रहा हूँ मेरे भाई ना, तो उतनी ईमानदारी से आप पढ़िए। ये टाइम देखिए जरा, टाइम अभी मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगा टाइम, ठीक है। आप टाइम देखिएगा कितने टाइम मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टाइम नहीं रहता है। रात को मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि कम से कम एक डेढ़ दो के आसपास तो हो रहा होगा रात का, ठीक है, और सुबह 5 बजे वीडियो जाना है, तो अभी तक मैं सोया नहीं हूँ। अभी इसको वीडियो को बनाऊंगा, फिर वीडियो को कन्वर्ट करना पड़ेगा, वीडियो के लिए कवर पेज बनाना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद वीडियो अपलोड होगा। जब तक फाइनली अपलोड नहीं हो जाता तब तक मैं सोता नहीं, 5 बजे सोऊंगा, जब आप उठोगे तब मेरे सोने का टाइम होगा। तो यार इतना मेहनत अगर मैं कर रहा हूँ आपके लिए, तो आपका क्या फर्ज बनता है। अभी देखो मेहनत करो और थोड़ा सा फ़ायदा कराना, एडवर्टीजमेंट को स्किप मत करना, बस
आगे देखो, कह रहा मोनोजाइट जो है ये थोरियम का अयस्क, आपसे एग्जाम में पूछता है थोरियम के अयस्क का नाम बताइए, तो मोनोजाइट जो है थोरियम का अयस्क है और भारत में थोरियम सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। थोरियम पर आधारित फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है ये लगाया गया है कल्पक्कम में, कहाँ लगाया गया, कल्पक्कम, ठीक है कल्पक्कम। आगे है पारा पारदित समिश्रित में अनिवार्य रूप से सम्मिलित होता है, पारा का नाम जानते होंगे, पारा जो है सामान्य अवस्था में जो है द्रव अवस्था में होता है, ठीक है, ये पारदित समिश्रित में अनिवार्य रूप से पाया जाता है, स्पेशली ट्यूबलाइट वगैरह में पारा होता है। आगे है कार्नेलाइट मैग्नीशियम का खनिज, अब देखो अगर ये आ जाए एग्जाम में, बताओ कितने लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा, पता है मुझे ज़्यादातर लोग गलती करेंगे, तो आप मत करना ना, आप मत करना, ये सीरीज जो मैं स्टार्ट किया हूँ पीसीएस के लिए जान लो मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है। तो कार्नेलाइट जो है ये मैग्नीशियम का सबसे बढ़िया खनिज माना जाता है, सबसे बढ़िया का उसी का ही है, ठीक है मैग्नीशियम का। आगे है गन मेटल का नाम सुना होगा आपने, तांबा हो गया, टीन हो गया, जिंक हो गया, ये सब मिश्र धातुएं होती हैं, पढ़ाऊंगा आपको गन मेटल कैसे बनता है, तांबा कैसे बनता है, टीन जिंक कैसे मिश्र धातु होते हैं। आगे हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, ये दो जो हैं ये लोहे के अयस्क माने जाते हैं, किसके, लोहे के, हेमेटाइट उत्तर भारत में और मैग्नेटाइट जो है दक्षिण भारत में, ठीक है। आगे चूना और कोयले का प्रयोग लौह अयस्क को प्रगलित, प्रगलित माने होता है पिघलाने में किया जाता है, चूना और लोहे का कोयले का प्रयोग जो लौह अयस्क होते हैं उनको प्रगलित करने में, पिघला करके उनको रूप दिया जाता है ना अलग, तो उसमें किया जाता है। आगे चींटियां काटती हैं तो वो क्या करती हैं, वो अपने अंदर से फॉर्मिक एसिड को अंतर निक्षेपित करती है जिसके कारण में खुजली होती है और वहां पर दाने हो जाते हैं, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। आगे है मिथाइल अल्कोहल पीने से अंधता आती है, क्या आती है, अंधता आती है मिथाइल अल्कोहल। आगे फोटोग्राफी में अस्थायी कर के रूप में क्या इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, तो सोडियम थायोसल्फेट का इस्तेमाल किया जाता है, किसका, सोडियम थायोसल्फेट। आगे पानी आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि उसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, वो अधिक होता है, कहाँ पहुँच गए भैया, मत भागो कहीं पर, कहाँ भाग रहे हो, हाँ आ जाइए, ठीक है, तो उसका, अरे क्या हो रहा है, गुस्सा गए क्या, ज़्यादा पढ़ा दिया तो, छोड़ने वाला नहीं हो, चाहे कहीं भाग जाओ, चलो ये कहाँ पे आ गए, बस थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा, बस ये ठीक है। करा सिरका जो होता है ये एसिटिक अम्ल का एक जलीय विलयन होता है, सिरका में क्या होता है, एसिटिक, ऐसे आपसे एग्जाम में नॉर्मली पूछता है सिरके में कौन सा एसिड पाया जाता है, उत्तर एसिटिक एसिड पाया जाता है, ऐसे पूछता है एक लाइन की बात, तो ये एक तरह का जलीय विलयन है। सोडियम क्लोराइड जिसको आप NaCl बोलते हो, ठीक है नमक, ठीक है NaCl सोडियम क्लोराइड, ये लवणों का महासागरीय जल की लवणता में अधिकतम योगदान, सबसे ज़्यादा जो महासागरों में जो लवण होता है वो क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, उसी की वजह से पानी खारा होता है। और लैक्टिक एसिड कहाँ पर पाया जाता है, तो ये दूध में पाया जाता है लैक्टिक एसिड। साइट्रिक एसिड कहाँ पर पाया जाता है, नींबू में पाया जाता है, दोस्तों सब पढ़ाया हूँ आपको। आगे ब्यूटीराइक एसिड कहाँ पर होता है, तो खराब मक्खन में पाया जाता है, कौन सा, ब्यूटीराइक एसिड। आगे जल में अमोनिया, अमोनिया मतलब होता है NH3 जो होता है, ये बड़े आसानी से घुल जाता है और आप पता भी नहीं कर पाओगे कि इसमें अमोनिया घुला हुआ है। आगे जल क्या है, भारी जल, भारी जल को D2O बोलते हैं और सामान्य जल को H2O बोलते हैं, ठीक है, तो D2O जो होता है ये क्या होता है, एक प्रकार का मंदक का काम करता है, रिएक्टर में इस्तेमाल किया जाता है, एक तरह का मंदक होता है। आगे कठोर जल साबुन से कपड़े, कठोर जल साबुन से कपड़े, एक मिनट कहीं गड़बड़ा रहा है, कठोर जल, अच्छा देखिए मृदु जल होता है और कठोर जल होता है, ठीक है, तो कह रहा है कठोर जल साबुन से कपड़े धोने और बॉयलर्स में प्रयोग के लिए उपयुक्त नहीं होता, उसके लिए कैसा जल चाहिए होता है, मृदु जल चाहिए होता है, ठीक है। आगे फोटोग्राफी रंगीन फोटो फिल्म को साफ करने के लिए ऑक्जैलिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है, किसमें, ऑक्जैलिक एसिड फोटोग्राफी में। आगे पानी का भारीपन सोडियम और मैग्नीशियम के सिलिकेटों के कारण होता है, ठीक है, जैसे भारी भारी जल बोला था ना, भारी पानी, तो उसमें किस वजह से होता है, सोडियम और मैग्नीशियम के सिलिकेट मिले होते हैं। आगे लहसुन और प्याज में जो तीच गंध आती है वो किसकी वजह से आती है, तो पोटेशियम की वजह से आती है, ठीक है पोटेशियम, कहीं कहीं सल्फर भी आपको मिलेगा, वो भी याद रख लो, पोटेशियम और सल्फर, ठीक है, लहसुन में स्पेशली सल्फर से आती है, ठीक है। आगे पनीर क्या है, एक तरह की जेल है, ये जेल का उदाहरण है पनीर, ठीक है, जो पनीर हम लोग खाते हैं। फलों के रस में मैलिक एसिड पाया जाता है, मैलिक एसिड अगर रहेगा वहाँ पर ना, तो ज़्यादा समय तक फलों के रस को संरक्षित करके रखा जा सकता है। आगे अम्लीय श्रवण जो होता है, जठर रस की विशेषता होती है, अरे हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ना, HCl का श्रवण होता है हमारे जठर से, पेट में अंदर बात कर रहा है वही वाले की। आगे जल में सबसे कम घुलनशील गैस कौन सी है, तो नाइट्रोजन जो है ये जल में घुलनशील बहुत कम होती है। आगे समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में NaCl पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड। सीसा संचालक बैटरी में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है, यानी H2SO4 जिसको आप बोलते हो, ये पाया जाता है।
जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस या 212 फारेनहाइट या 373 के तक होता है। ठीक है, तीनों बातें कही है, 100 डिग्री सेल्सियस कहो, 272 डिग्री फारेनहाइट कहो, या 212 या फिर 373 के फॉर केल्विन। लोहा का निष्कर्षण हेमेटाइट एस के साथ किया जाता है। और अब आपके लिए आखिरी है, अब इसके बाद कुछ नहीं दूंगा, ये थोड़ा सा आपको स्पोर्ट्स का मैं इसमें ऐड कर दिया हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्पोर्ट्स से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। और फटाफट करेंगे, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी है। भारत में सबसे पहले क्रिकेट स्पर्धा कब स्टार्ट हुई थी? तो 1892 में स्टार्ट हुआ था, पारसी और यूरोपियन के बीच में, और बाद में लगान जब वाली मूवी आई थी तब जो इंडियन को धीरे धीरे शामिल किया गया, बहुत बाद में शामिल हुए इंडियन, तो 1892 याद रखना। गोल्फ गेंद का वजन कितना होता है? तो 1.5 औंस होता है, औंस, ठीक है, गोल्फ गेंद का वजन। हॉकी के खेल का परिमाप कितना होता है? ठीक है, तो 100 × 60 गज, 100 × 60 गज के बराबर कितना होता है उसका, हॉकी का जो खेल का मैदान होता है। किस वर्ष में भारत में प्रथम बार टेस्ट श्रृंखला खेली गई? 1952-53 में खेली गई, वो भी पाकिस्तान के विरुद्ध सीधे खेला गया, ठीक है, टेस्ट मैच। आगे है, वॉलीबॉल को एशियाई खेलों में किस वर्ष शामिल किया गया? तो 1958 में वॉलीबॉल को शामिल किया गया एशियाई खेलों में। इस बार का एशियाई खेल कहाँ पर हुआ था? इंडोनेशिया में, ठीक है। आगे है, ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल पर होते हैं? तो हर 4 साल बाद होते हैं, 2012 में हुआ था, फिर 2016 में हुआ, ठीक है, तो याद रखिए। आगे, अब तक ओलंपिक में भारत जो है कितने स्वर्ण पदक जीत चुका है? तो ऐसे तो 9 है, और देखते रहिएगा जैसे जैसे सन बदलेगा धीरे धीरे पदक भी आएंगे। आगे, टाइगर वुड्स किस देश के गोल्फ खिलाड़ी हैं? तो अमेरिकन, अमेरिका से बिलोंग करते हैं टाइगर वुड्स, ठीक है, ये गोल्फ के खिलाड़ी हैं। आगे, गामिनी, संजीवनी, अमर, ब्राह्मणी, ये जो किस खेल के विविध रूप हैं? ये अलग अलग नाम नहीं है, ये खेलों के विविध रूप है। कबड्डी में खेला जाता है अलग अलग तरह के, हालांकि आपने सुना भी नहीं होगा, बीच में एक दिन आ रहा था कबड्डी वाला एक सीरियल आ रहा था, बहुत बढ़िया था, तो उसमें आपने हो सकता है देखा होगा। आगे, सडन हेथ, सडन डेथ होता है यहाँ पर, सडन हेथ लिखा है, तो मुझे याद आ रहा सडन डेथ, ये किससे संबंधित है? तो कुश्ती से संबंधित होता है। आगे, चाइना कप किस खेल से संबंधित है? तो ये जिम्नास्टिक से संबंधित है दोस्तों, चाइना कप। कौन सा? चाइना कप किससे है? जिम्नास्टिक से। आगे, चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो टेबल टेनिस। हमारे यहाँ का क्या है? तो हमारे यहाँ का हॉकी है। आगे, प्रथम डेविड डिक्सन पुरस्कार किसे दिया गया? तो नताली डू टोइट को दिया गया था, ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बैडमिंटन में प्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन है भारत में? तो नंदू पटेकर, नंदू पटेकर, जो बहुत बढ़िया खिलाड़ी होता है और पिछले 4 सालों में उसका प्रदर्शन बहुत अच्छा होता है, उसी को ये पुरस्कार दिया जाता है, अर्जुन पुरस्कार। और जो अच्छा कोच होता है उसके लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार। आगे, रोइंग शब्द किस खेल से संबंधित है? तो नौकायान से संबंधित है, और स्पेशली आपको दक्षिण भारत में, स्पेशली केरल में मिल जाएगा नौकायान, ठीक है, तो रोइंग जो है उसी से संबंधित है। आगे है, ओलंपिक एथलेटिक्स फाइनल में पहुँचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो पीटी ऊषा, दौड़ में, दौड़ के मामले में बहुत नंबर वन थी, ठीक है, पीटी ऊषा। आगे है, फर्नांडो अलोंसो किस खेल से संबंधित है? तो फार्मूला वन रेसिंग से संबंधित है। बनाना किक, ये किस खेल से संबंधित है? तो किक बोल दिया तो आपका उत्तर क्या होगा? फुटबॉल से, ठीक है। और डूरंड कब दिया जाता है? फुटबॉल के लिए, याद रखिएगा। किसी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में खिताब जीतने वाला भारत की पहली महिला बैडमिंटन खिलाड़ी अपर्णा पोपट ने कौन सा खिताब जीता? तो फ्रेंच ओपन बैडमिंटन का खिताब इन्होंने जीता था। अब ये सब बहुत पुराना क्वेश्चन है। आगे, वर्ष 1868 में मार्किवस ऑफ क्वींसबरी द्वारा किस खेल के नियमों का निर्धारण किया गया? ठीक है, तो ये बॉक्सिंग खेल का निर्धारण किया गया था, ठीक है, मार्किवस ऑफ क्वींसबरी, ठीक है, इन्होंने किस खेल का निर्धारण किया था? बॉक्सिंग का। आगे, भारतीय टेस्ट मैच क्रिकेट में सबसे कम उम्र के कप्तान कौन थे? तो मंसूर अली खां पटौदी। क्या नाम था? मंसूर अली खां पटौदी। फ्लाइंग सिख के नाम से किसको जाना जाता है? तो बहुत अच्छे धावक थे मिल्खा सिंह, आपने मूवी भी देखा होगा इनका। ब्रेबोर्न क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में स्थित है? तो मुंबई में है। और ये रहा आखिरी क्वेश्चन, अंजलि भागवत किस खेल से संबंधित हैं? तो राइफल शूटिंग से संबंधित हैं अंजलि भागवत, ठीक है। तो आज का सीरीज कैसा लगा ये आप बता जरूर से दीजिएगा, और परेशान मत होइए, अदरवाइज अगर आप परेशान होंगे ना तो अभी मैं बहुत कुछ इसमें ऐड कर सकता हूँ, ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों उठा कर ऐड कर दूँगा, ठीक है, और इसके अलावा मिक्स क्वेश्चन भी उठा के डाल दूंगा, तो भागिए मत। अभी तो मैंने पर्यावरण भी नहीं ऐड किया, भागते क्यों हो, मेहनत करो, ठीक है। अगर कुछ ज़िंदगी में कुछ बनना है तो आप मेहनत करिए, और सुबह सुबह 5 बजे अगर वीडियो जाता है तो 1 घंटा खर्चा करके देखो, ठीक है। और सामने आपका पीसीएस का एग्ज़ाम है, यूपी पीसीएस का भी है, बिहार पीसीएस का भी है, छत्तीसगढ़ पीएससी का भी फॉर्म आ गया है, अभी भरना नहीं शुरू हुआ है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट सीरीज है, कुछ एग्जाम में अलग से नहीं आता है। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं भाई, बड़ा खराब आदत होता है, कुछ लोगों को समझ में आता है कि अगर मैंने कवर पेज पे लिख दिया कि पीसीएस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो खोल के देख लेंगे फटाक से, और नहीं लिखा है तो नहीं देखेंगे। अरे यार, पढ़े लिखे लोग हो,
ठीक है, अनपढ़ गवारों जैसे काम मत किया करो आप लोग, अपने दोस्तों को समझाया करिए, इमेज देख के ना पढ़ा करें, क्वालिटी देख के पढ़ा करें, कौन कितनी बेहतर क्वालिटी दे रहा है ये ज़्यादा जरूरी है। इमेज भी लिख दिया, एक बार पढ़ लिया तो सिलेक्शन पक्का, खोल लिया उसी को, उसी के पीछे लोग पड़े हैं। देख रहा हूँ एक एक लाख, दो दो लाख, तीन तीन लाख व्यूज पड़े हैं। अरे यार, यहाँ इतना मेहनत से पढ़ाया जा रहा है तो इसको 50,000 व्यूज होने में पता नहीं क्या होगा, ठीक है। और वहाँ जो है बस खाली, अच्छा मैं भी चाहूँ तो इमेज में ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है, इमेज में मैं भी चाहूँ लिख सकता हूँ कि एक बार पढ़ लो पीसेस बनना तय है आपका। लेकिन क्या यार, फालतू का काम मैं नहीं करता, ठीक है, फालतू काम मैं नहीं करता, मैं बस इतना काम करता हूँ कि आपका जो आत्मविश्वास है उसको इतना मजबूत कर दूंगा, इतना मजबूत कर दूंगा कि आपके अंदर से विषय के प्रति जो रुचि है वो बढ़ जाएगी और जो डर है वो कोसों मीलों दूर चला जाएगा, ठीक है, जो डर है वो ख़त्म हो जाएगा। तो मैं यही काम करता हूँ, और मुझे अपने देश को शिक्षित करना है, लोगों को साक्षर बनाना है, लोगों की मेंटल लेवल को हाई तक ले जाना, ऊपर तक पहुंचाना, ये मेरा टारगेट है, ठीक है। तो वो मैं, मेरा टारगेट भी है और धीरे धीरे पूरा भी हो रहा है आप लोगों के सहयोग से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। अदरवाइज कहेंगे नितिन सर कभी कभी ये बकैती बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, परेशान कर देते हैं।